The authorities on Thursday banned all types of public transport in District Srinagar with immediate effect till further orders. The administration has imposed restrictions in Srinagar district. Decision to impose restrictions on public movement has been taken in the wake of a resident with travel history testing positive for coronavirus. The restriction order issued by the district magistrate Srinagar states that public movement, including pedestrian and transport and operation of business and other kinds of establishment, will be restricted across the district till further notice. करोड़ों का नुकसान होना है, मतलब कि होटलियर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि होटलियर का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा. उसके बाद जो मतलब कि सबसे इफ़ेक्ट होना है मुलाजमों पे, जो यहाँ मतलब कि स्टाफ है जिनसे ये चलता है, होटल इंडस्ट्री चलते हैं, इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इससे. ये मतलब कि गवर्नमेंट फेलियर है. मतलब कि अगर पहले ये मतलब कि डिस्कवर हो गया है ये चाइना में कहीं भी हो गया, इनको मतलब कि ब्लॉक करना था. जिन कंट्रियों के साथ मतलब कि इनका ट्रेड था, आना जाना था, ये बिल्कुल ब्लॉक करना था. जनवरी से थोड़ा काम शुरू होने लगा तो थोड़ा टूरिस्ट आने लगे थे. अनफॉर्चुनेटली मतलब ये हमें नोटिस आई सर, प्रेस पेपर में आया कि आपको होटल बंद करना है, मतलब रेस्टोरेंट होटल. आप देखिए यहाँ पर कितने मुलाजिम हैं हमारे, 20 मुलाजिम यहाँ पर पड़े हुए हैं. तो इनको यहाँ खाना पीना तनख्वाह इनको देना है, अपना घर चलाना है, वो कहाँ से लाएंगे हम. ये मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसको हुकूमत को गौर करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे. क्या पॉजिटिव